हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 करेंगे विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ इमेज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो तीन टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज इमेजेस ऑन मिरर्स। तो इसमें हम मिरर्स में प्लेन मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स जो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इमेज ऑन प्लेन मिरर। अब यहाँ पे एक आपको डायग्राम नीचे गिवन है। अब इसमें देखिए, जो एक रे डाली है मैंने, यहाँ पे आपको एक मिरर गिवन है जिसमें ये आपको बाहर की साइड से पॉलिश्ड साइड दिख रही होगी, ये मिरर की बैक साइड है। इसमें देखिए, एक साइड पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे गई जिसका नाम दिया मैंने इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे, हमने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब कभी भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो वापस से बाउंस बैक करती है सेम पाथ में। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गई इंसिडेंट रे, यहां से ये मिरर है, मिरर से वो रे टकरा के वापस इसी पाथ पर आ गई स्ट्रेट एकदम, इसका नाम दिया आपने इंसिडेंट रे। देन सेकेंड रे होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां ऑब्जेक्ट से वो मिरर पे गई रिफ्लेक्टेड रे, फिर सेम बात है कि यहाँ पे मिरर है तो वो वहां से स्ट्राइक करके वापस आएगी, ये मिरर से स्ट्राइक करके वो नीचे की साइड आ गई जिसको रिफ्रेक्टेड रे बोला आपने। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा सा एंगल बनेगा इसमें रिफ्रेक्टेड रे का। अब आप ये देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ लास्ट तक आएगी तो इधर की साइड आएगी, और जो रिफ्रेक्टेड रे है वो यहां पर आएगी। अब इन दोनों में आगे चल के कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ये पॉइंट मीट करने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए ये लाइन ऐसे इधर की साइड आएगी और ये वाली लाइन इधर की साइड आएगी। तो ऑब्वियसली जब तक ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट नहीं करेंगे तो इमेज नहीं बनेगी। तो अब इमेज कहां बनेगी, इसके ऑपोजिट साइड में। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, अब ये मिरर है, मिरर का ऑपोजिट यानी कि उसके बैक साइड में इसकी इमेज बनेगी। तो कैसे, जब हमने इंसिडेंट रे ली तो इस रे को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, देन सेकेंड पे हमने जो रिफ्लेक्टेड रे ली थी, जो हमारी रे नीचे की साइड आ रही थी, तो हमने इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और वी कैन सी ये दोनों पॉइंट्स आपस में यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर गए, जिसको आपने नाम क्या दिया, इमेज। जहां पे ये पॉइंट मीट करते हैं वहीं पे आपकी इमेज बनती है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ भी है। तो अगर सपोज ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है तो इमेज और मिरर के बीच में भी डिस्टेंस आपका 1 मीटर ही होगा। ये मेरी इमेजिनेशन है, मतलब मैंने ये सपोज में लिया हुआ है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर दोनों का टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो 1 + 1 = 2 मीटर हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे ली थी तो उसको एंगल आई और एंगल आर से डिनोट किया, क्योंकि जो एंगल्स बनते हैं वो भी रिफ्रेक्शन के ही, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ही बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो ये इमेज थी आपकी प्लेन मिरर पे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन सेकेंड वन इज, जो हमने यहाँ पे इमेज बनाई है, ये जो इमेज बन रही है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। सबसे पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमारी इमेज है वो सीधी बनेगी, ये सीधी बन रही है। देन इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जहां पे जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस 1 मीटर है तो इन दोनों का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। देन बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे, अब ये ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज भी सेम है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। उसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड, तो ये चार टॉपिक्स आपको करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनेंगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको बाद में जब और रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस वाली जो चीजें होती है उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इसमें हमारे दो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है वो हम स्फेरिकल मिरर से लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में क्या, एक पर्टिकुलर स्फेरिकल कोई चीज हो गई है, उसका एक पोर्शन आपने कट किया जिसको आपने मिरर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डायग्राम में आपको जो दिख रहा है इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स में कैसे इमेज बनती है वो देखेंगे। सो सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर है आपके पास, उसके बाद में हम इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन कट करेंगे। तो वो मैंने ये कट किया है यहाँ पे एम और एन से। जो भी हम पोर्शन कट करते हैं वो एक मिरर बन गया। अब इसमें आपका सेंटर पॉइंट जो होता है उसको पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है पोल। यहाँ पे देखिए आपको पी पोल, ये जो कुछ टर्म्स हैं वो जो मैंने ऊपर लिखी हुई है उसको वन बाय वन आपको अभी बताती हूँ। इसमें फर्स्ट वन है पोल, तो उसको पी पोल से डिनोट करेंगे जो इसका सेंटर पॉइंट होगा। अब जो हमारा स्फेर, जो ये स्फेयर आपको दे रखा है, स्फेरिकल सरफेस दे रखा है, इसका जो सेंटर होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन सी पॉइंट और पी पॉइंट, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी मतलब प्रिंस पोल। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट बनता है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज फोकस। इसके बाद में आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पी पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रेडियस। देन आपका फोकस और पी यानी के पोल, इन दोनों के बीच में जो है उसे फोकस लेंथ या फिर फोकल लेंथ बोलेंगे। और जो हमारा मिरर है इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको एपरेचर बोलते हैं, या फिर MN से मैंने इसको डिनोट किया हुआ है, मतलब कि एंडिंग पॉइंट है ये। अब एक ऐसी लाइन जिस पर सी एफ और पी ये तीनों स्टैंड करते हैं या तीनों डिनोट करते हैं या तीनों जहां पर मीट करते हैं या होते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं, पी पोल यानी कि इनका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर का सेंटर, आर यानी कि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, एफ फोकस हो गया आपका इन दोनों का मीट, देन एफ फोकल लेंथ या फिर फोकस लेंथ जो एफ और पी यानी कि फोकस और पोल के बीच की जो होती है, और एम एन होते हैं आपके एपरेचर। अब स्फेरिकल मिरर्स में मैंने आपको बताया दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं, एंड सेकेंड इज कॉनकेव मिरर जिसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारे पास दो छोटे से डायग्राम्स हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को हम एक स्पून से भी समझते हैं। अब आप देखिए ये जो स्पून है इसमें एक साइड आपको नीचे से कर्व दिख रही है और दूसरी वाली साइड में बाहर की साइड निकला हुआ हिस्सा होता है। जो हमारा कर्व वाला सरफेस होता है अंदर की साइड जो इनवर्ड है इसको आप कॉनकेव मिरर कहते हैं, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जिस साइड, ऑब्वियसली दोनों मिरर्स में जिस साइड पॉलिश्ड होगा उसके ऑपोजिट आपकी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये वाली साइड इनवर्ट जो है ये पॉलिश्ड है तो इसमें इमेज बाहर की साइड बनेगी, और कॉनकेव मिरर में इमेज अंदर की साइड बनेगी क्योंकि पॉलिश्ड वाला एरिया बाहर की साइड है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है एंड इसमें इनवर्ड है। सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो प्लीज एक बार इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है ये आपको दोनों के रे डायग्राम्स दे रखे हैं। ये सारी चीजें पी एफ सी एम एन ये सारी चीजें मैंने ऊपर जब आपको स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको कवर करवाया था, तो एक बार उसको सुनिएगा आप। और इसमें जो इमेजेस हैं वो आपकी इन्फिनिटी पर, देखिए ये दोनों केसेस में अगर आप देखें फर्स्ट वाला जो है कॉन्वेक्स मिरर तो इसमें इमेज हमारी पीछे की साइड बन रही है, लेकिन जब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की तो ये आगे यहाँ पे आके एफ पॉइंट, जहां पे भी कहीं पे भी आपका एफ पॉइंट आता है इसका मतलब कि वहां पे आपकी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर एफ पॉइंट पर हमारी इमेज बनती है। इसका एग्जाम्पल है, आपने सबने देखा होगा कि हम एक पेपर को कभी कभार किसी ग्लास से जला देते हैं, सन की लाइट उस पर पड़ती है और ग्लास
एकदम से स्पार्क करता है और पेपर जलने लग जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो ग्लास कॉनकेव मिरर होता है और उसमें ये एफ फोकस पे पूरी लाइट पड़ जाती है और जिसकी वजह से पेपर जल जाता है। इसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है वो दोनों मिरर्स के यूजेस हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैंने कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस दे रखे हैं और हियर इज कॉनकेव मिरर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये जो सनग्लासेस या फिर रियर साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में, और उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब यही हो गया कि सनग्लासेस और या फिर कॉलिंग बेल्स पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसके अलावा कॉनकेव मिरर का यूज किसी भी चीज को जब मैग्नीफाइड करना है, इट मींस कि साइज बड़ा करके दिखाते हैं, तो उस टाइम पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसका यूज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में होता है। उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट, शेविंग और डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तब वो यूज करते हैं, या फिर टॉर्चेस, सर्च लाइट और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, तो इन सब में इनका यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम कवर करते हैं, जब मैंने आपको ये स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाया तो उस टाइम पे मैंने आपको आर यानी कि रेडियस एंड एफ यानी कि फोकस लेंथ और फोकल लेंथ, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा था R इज इक्वल टू 2F। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एफ फोकस लेंथ या फिर फोकल लेंथ, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसका मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें हमने वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ा है उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ये वही रिलेशन है रेडियस एंड फोकल लेंथ में जो रिलेशन गिवन है, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो आपको इन दोनों में कोई रिलेशन है तो वो क्या है, तो यस रिलेशन होता है इनके बीच में और इसको R इज इक्वल टू 2F से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल फोकस है किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो लाई करता है बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।